नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है एग्रीकल्चर ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जाइम खाद के बारे में। जिन किसान भाइयों ने इस खाद का उपयोग किया होगा वह बहुत ही अच्छे से समझते होंगे इसके महत्व को और इससे फसलों में होने वाले लाभ को, फसलों के उत्पादन में होने वाले लाभ को, फलदार पौधों की फलों में जो चमक आती है, गुणवत्ता बढ़ती है। इसके अलावा आप फसलों में देखेंगे जो उनके पौधे हैं, पौधों में आप सुंदरता देखेंगे, पौधों में चमक देखेंगे, क्लोरोफिल की मात्रा देखेंगे, पौधों की जो हरापन है उसको देखेंगे, पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको देखेंगे, जो कीट प्रतिरोधक क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है, भूमि में जलधारण क्षमता अधिक होती है। तो यह जो नवकामना सुपर जाइम है फार्मर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जिसका उपयोग अगर आप धान के फसल में करते हैं तो धान के फसलों से कल्ले अधिक निकलते हैं, धान के फसलों का वृद्धि एवं विकास होने के साथ साथ विपरीत मौसम में भी अधिक फसल उत्पादन देने की क्षमता रखती है और धान की फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और धान के फसलों में अगर आप नवकामना सुपर जाइम का प्रयोग करते हैं तो उत्पादन में तीव्र गति से बढ़ोतरी होती है। तो आइए चर्चा करते हैं कि नवकामना सुपर जाइम के क्या क्या कार्य हैं, क्या कंपोजिशन है और इसका उपयोग कितनी मात्रा में करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी भी दबा दें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, यह ऑर्गेनिक खाद होने के कारण इसका जो रूप दिखेगा दानेदार स्वरूप में मिलेगा। इसको अगर बनाते हैं तो कई तरह के कंपोजिशन डालते हैं, जैसे वनस्पतिक मुख्य होता है, समुद्री शैवाल होते हैं, जो समुद्री वनस्पति होती है, समुद्री घास होती है, उनके पोषक तत्वों से मिलकर इन्हें बनाया जाता है। मुख्य रूप से वही होती हैं जिसमें आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा, पोटास की मात्रा भी मिल जाएगी, उसमें बोरान की भी मात्रा मिल जाएगी, कुछ मात्रा में होता है ये सब भी। तो ये बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलता है, कई सारे उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ह्यूमिक एसिड का भी मिश्रण होता है जाइम में, आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास, सल्फर इत्यादि देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया है बहुत ही लाभदायक है। तो इसका काम क्या है, अब मैं बात करता हूँ काम के बारे में। इसका काम अगर देखें तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की मात्रा बढ़ाता है, जैसे कि इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है, तो पौधों में जो प्रोटीन व एंजाइम की पूर्ति करता है तो क्या होता है कि एंजाइम कोशिकाओं की मात्रा में वृद्धि करता है। जब कोशिकाएं बढ़ेंगी तो पौधे भी विकसित होंगे, पौधों में कल्लों की संख्या अधिक होगी, कोशिकाएं बढ़ेंगी तो कल्ले अधिक होंगे, पत्तियाँ हरी होंगी। तो अगर अब मुख्य कार्य की बात करें तो यह जड़ों का विकास करने में मदद करेगा, जैसे मैंने आपको बताया है अभी मिट्टी को जब कोमल बना के रखेंगे मिट्टी जब भुरभुरी होगी तब जड़ों का विकास अच्छे से होगा, मिट्टी जब टाइट होती है तो जड़ों का विकास भी रुक जाता है। तो मिट्टी जब भुरभुरी तो जड़ों का विकास भी अच्छा होता है, फल में चमक आता है, फल वजनदार होते हैं, फसलों की गुणवत्ता में सुधार होती है, जो पौधा है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साथ साथ कीट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण करने की गति बढ़ती है। बात करते हैं कि आप नवकामना सुपर जाइम का उपयोग किन किन फसलों में कर सकते हैं। लगभग हर एक प्रकार के फसल में प्रयोग कर सकते हैं, मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का एवं आप देखेंगे सब्जी वर्गीय सभी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम मात्रा की बात करें तो आप 10 किलोग्राम प्रति बीघा उपयोग कर सकते हैं। नवकामना सुपर जाइम का उपयोग करके आप अपने धान की फसलों में अधिक कल्ले प्राप्त कर सकते हैं एवं फसलों की गुणवत्ता बढ़ेगी, पौधों का वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होगा, जो दाने होंगे उनकी गुणवत्ता में सुधार होगी और पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी, पौधों में कीट पतंगों का खतरा नहीं रहेगा। आप नवकामना सुपर जाइम का प्रयोग करके ये सारे लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप सभी एग्रीकल्चर ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दें, जिससे ऐसा ही वीडियो आपके पास मैं लेकर आता रहूं
और आप सबकी मदद करता रहूं। किसान भाइयों, आप एक बार नवकामना सुपर जाइम का उपयोग करके अवश्य देखें, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। एक बाल्टी 10 किलोग्राम की आती है। 10 किलोग्राम बाल्टी 1 बीघे खेत में पड़ता है। इससे धान के कल्लों का विकास अच्छा होता है एवं धान के पौधों से अधिक फसल का उत्पादन होता है। विपरीत मौसम में भी तने मजबूत रहती हैं, पौधों को गिरने का खतरा नहीं रहता है। यह बहुत ही अच्छी जाइम है जो फार्मर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लिमिटेड जैसी अच्छी कंपनी की जाइम है। किसान भाइयों, आप इसका प्रयोग करके एक बार ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है यह। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक यह वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद।